हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ये देखो, जब मैं ज़ीरो गया था तो मुझे एक गिफ्ट में मिला था, मूली है ये, जहाँ पे एक स्माइली बनाया, एक बच्चे ने गिफ्ट किया था मुझे, स्कूल के बच्चे ने गिफ्ट किया था, बहुत ही क्यूट गिफ्ट है। और ये है चीनी और ये है मेरा रूम। तो यहाँ पे अभी हम क्या करने वाले हैं, जो ये चीनी है, 1 किलो चीनी है, इससे अभी हम कीवी वाइन बनाने वाले हैं। तो आप लोगों को आज वाइन बनाने सिखाएंगे। बहुत ही अनहेल्दी होता है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा पीने को, लेकिन किसी किसी को अगर टेस्ट करने का मन है कि हमारे लोकल स्टाइल में कैसे बनाते हैं कीवी वाइन को, तो आप लोग खुद बना के घर में टेस्ट कर सकते हो, जो लोग पीते हैं। जो लोग नहीं पीते हैं वो लोग मत पियो। चलो, और ये है कीवी, कीविया कीविया, बहुत सारे कीविया। तो इसको अभी हम छीलेंगे। ऐसा कहते हैं कि जितना कीवी है, कि जितने कीविया रखे हुए हैं उतना ही चीनी भी यूज़ करना है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी है, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा था कि मत पियो करके ना बस। लेकिन जैसे लोग बनाते हैं, बस मैं दिखाना चाहूँगा कि हमारे लोग कैसे बनाते हैं अरुणाचल में। ये मुझे गिफ्ट में मिला ज़ीरो से, तो अभी हम प्रिपेयर करेंगे। अगर जो ये मूली है, इसको कीवी के साथ मिक्स नहीं करना है, क्योंकि मिक्स करने से कीवी वाइन नहीं होगा, कीवी मूली वाइन होगा, तो हमें मूली का वाइन नहीं बनाना है। और जो ये ऑरेंज है, इसको भी यहाँ पे नहीं डालना है, क्योंकि तब ये ऑरेंज वाइन मिक्स हो जाएगा। तो बस कीवी पे हमें फोकस करना है। ये बस ऐसे ही रखा हुआ था टेबल में इसलिए। और आप लोगों में अभी बस छिलके दिखाना है, मैं आप लोग ऑर्गेनिक कीवी वाइन बना के देखूंगा। फिर भी मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा कि खाओ पियो करके, ना इसको पियो करके। खा सकते हो, बहुत टेस्टी होता है, लेकिन आप मत पिए, क्योंकि चीनी इतना ज़्यादा डालते हैं ना यहाँ पे, पूरा ये चीनी डालने वाला है यहाँ पे, तो आप लोगों को डायबिटीज़ पेशेंट जो है ना, उनको तकलीफ़ होगा, और डायबिटीज़ तक भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा शुगर लेवल है इसमें। और वाइन पीना कभी कभी तो ठीक है, बट एडिक्शन नहीं रखना चाहिए, बहुत गलत बात है, हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है। तो अब इसको छीलना है, तो अब छीलते छीलते मैं सबको छील लूँगा, तो अभी आप लोगों को प्रोसेस दिखाऊँगा। ओके, 25 नवंबर यानी कि आज मेरा शो होगा रोइंग में, एमरा रिजॉर्ट में, और 1 दिसंबर को होगा मेरा बाना में इको टूरिज्म फेस्टिवल में, 3 दिसंबर को होगा आलो में रिस इको रिजॉर्ट वॉक में, और होगा 20 दिसंबर को मेचुका में सम्मान थांग में, उसे भी विटनेस करने आ जाना। और कैसे हम छोटे छोटे वालों को छीलने वाले हैं, बड़े वाले को हम खाएंगे। जैसे कि ये बड़ा वाला यहाँ पे रखा है, बहुत ही टेस्टी होता है, उसे खाना बहुत ही आसान है। नमक खाया ना, नमक चल इसलिए क्या पूरा चीज भैया है उसके बच्चे को। अरे चीनी, अरे रुको, नमक खाने गया था, भरोसा नहीं, इसको भी गिरा दिया। तो इसे खाना बहुत आसान है, छिलके को नहीं खाना है, यहाँ पे थोड़ा सा नमक लेना है, और इसको कीवी आपको बस ठंड जगहों पे पाया जाएगा, तो ये ज़ीरो का है, आपको दिरंग तवांग सभी ठंडे जगह पे मिल जाएगा आराम से, और बहुत ही टेस्टी होता है। अगर आपने कभी नहीं खाया तो खा के देखिएगा, ऐसा होता है खाने छीलने के बाद। और इसको ऐसा करके खाते हैं, खा के देखो तुम्हें, ये है अपडेट। अभी इतना छील लिए हैं हमने, और इसको हम खाने के लिए रखेंगे, और इसको हम पूरा छीलेंगे, उसके बाद प्रोसेसिंग के लिए रख देंगे। वैसे मैं भी अभी बनाना सीख ही रहा हूँ, और जो ये कीवी है ना, मुझे आलू की याद दिला रहा है। तो जैसे कीवी वाइन बनाना सीख जाऊँगा, मैं कभी दिन आप लोगों को पोटैटो वाइन भी बना के पिलाऊँगा, बनाना सिखाऊँगा पोटैटो वाइन भी, अब कीवी वाइन बना लेते हैं। और गाइस, दिसंबर से आपको मेरा ट्रैवल व्लॉग्स भी देखने को मिलेगा, मैं अरुणाचल घूमूंगा और त्रिपुरा भी जाने का प्लान है, तो बहुत सारे प्लान्स हैं मेरे। इवन मैं अभी सोच रहा हूँ कि स्पीति वैली धर्मशाला भी जाऊँ ना, तो बहुत सारे प्लान्स हैं, इसलिए अभी तो मेरे पास फिलहाल उतना कंटेंट नहीं है इस महीने के लिए, बट दिसंबर महीने से कंटेंट की बारिश हो जाएगी, तो दिसंबर महीने तक वेट करना। और मैं जगलिंग भी कर सकता हूँ, तो मैं जगल करके दिखाता हूँ, पकड़ा कैमरा, बस थोड़ा एंटरटेन करने के लिए आप लोगों को। हमेशा हम यूट्यूबर्स के दिमाग में यही रहता है कि अगला कौन सा व्लॉग डालूँ, अगला कौन सा कंटेंट डालूँ, जो आप लोगों को एंगेज रखेगा करके, तो इसलिए एंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या सोचते रहना पड़ता है। तो मुझे ज़्यादा नहीं, बस 3 से ही आता है, तो ये 1 कीवी, 2 कीवी, 3 कीवी करना था ना। ये देखो गाइस, आई एम सो एक्सपर्ट, और ये एक ही हाथ से मैं 2 को भी कर सकता हूँ, ये देखो, आई एम सो एक्सपर्ट।
ये मेरा सिर्फ गाना नहीं गाता, व्लॉग नहीं करता मैं, ये जगल भी कर सकता हूँ और भी बहुत सारे मेरे हिडन टैलेंट्स, मैं कभी दिन आप लोगों को धीरे धीरे करके बताऊँगा। थोड़ा बहुत स्केच करना भी मुझे आता है और भी बहुत सारा है। बचपन में मैंने क्या क्या किया था उसको मैं, स्पोर्ट्स वगैरह में भी थोड़ा बहुत ठीक हूँ, मैं दिखाऊँगा कभी दिन धीरे धीरे करके, मेरा स्किल्स आप लोगों को जानने को मिलेगा। और इस केवी छीलते छीलते मेरे मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि जो इसका खुशबू है बहुत ही बढ़िया है और इसका खुशबू सूंघ के मुझे एक खुशबूदार प्रोडक्ट की याद आ गई है जो कि है मामा अर्थ। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, आप लोगों को उसका बताना चाहूंगा उसके बारे में कुछ। A certain smell can trigger a flood of emotions or even transport you to a past moment in time. From the fresh smell in the air when the season changes to the smell of coffee that reminds you of uncountable book dates you had at your favorite little cafe. A fragrance has the power to bring back the memory of a person, a place or a situation, sometimes even emotions. All these memories are just from a little whiff. That's how the Mama Earth EAUD perfume works. Experience Mama's signature scents which match your personality and help you escape the hustle and bustle and allow you to cherish your लवेबल मेमोरीज। आपको एक सेट में बहुत सारे परफ्यूम मिलेंगे। पहला है व्हाइट मस्क, इट इज एन एस्केप टू अ पिक्चरस्क्यू वैली विद एवरी स्प्रे फ्रेश लिली ऑफ द वैली एंड सेंसुअल मस्क इट अवेकेंस यू एंड लीव्स अ लाइट टच ऑफ लैवेंडर एंड मस्क। इफ यू वांट टू गियर अप फॉर द डे व्हाइट मस्क इज फॉर यू व्हाइल यू आर अप एट द गेम्स इट्स फ्रेग्रेंस कीप्स यू गोइंग। दूसरा है फ्लोरल EAUD परफ्यूम, द डिलाइटफुल मेमोरी ऑफ रिसीविंग सरप्राइज फ्लावर्स एट योर डोरस्टेप। फ्लोरल इज श्योरली अ ट्रीट ऑफ स्प्रिंग विद एवरी स्प्रे। सिट्रसी क्लीन नोट्स विद एप्पल एंड लैवेंडर आर परफेक्ट बैलेंस ऑफ फ्लोरल एंड फ्रूटी नोट्स टू सेलिब्रेट दोस लिटिल मोमेंट्स विद योर स्पेशल वन। और आता है ऑर्ड, इट इज एन एस्केप टू अरब, इट्स वुडी स्मेल इज रिच विद न्यूएंसेस रेंजिंग फ्रॉम लेदर अर्थी एंड स्वीट to spicy fragrances. With every spray, you experience the scent of superiority that makes you feel stand out in the crowd. And you don't need to worry about using these perfumes on daily basis because it is made safe certified and 100% vegan. And lastly, इस परफ्यूम का नेचुरल फ्रेग्रेंस लास्ट करता है 12 आवर्स तक। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन परफ्यूम्स का साइज काफी छोटा है तो ये काफी पॉकेट फ्रेंडली है और आप इसे कहीं भी ट्रैवलिंग के टाइम ले जा सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो, मतलब घूमने के टाइम कहीं भी, मतलब छोटा सा आराम से पॉकेट में फिट हो जाएगा, छोटा सा पॉकेट में भी। फ्रॉम ब्रेथ टेकिंग फ्लोरल्स फ्रेश एक्वा एंड व्हाइट मस्क टू अर्थी एंड इंटेंस आउट नोट्स, इट्स परफेक्ट फॉर एनीवन हु वांट्स टू एक्सपेरिमेंट विद देयर एवरीडे सेंस विद एन एज एंड हु नोस यू माइट एंड अप डिस्कवरिंग योर सिग्नेचर सेंट इन द एंड सो दैट यू स्मेल अमेजिंग वेयर एवर यू गो। स्टे ऑन द गो एंड स्टैंड आउट। बिकॉज़ फिलहाल मैं यूज कर रहा हूँ फ्लोरल वाला क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद भी है एंड इट रिमाइंड्स मी ऑफ अ ट्रिप जब मैं जुको वैली गया था। इस सेंट का स्मेल लेते ही मुझे जुको वैली ट्रिप की याद आती है जब मैं जमीर लोग के साथ गया था, बहुत ही मेमोरेबल दिन था वो मेरे लिए। बस मामाअर्थ के जितने प्रोडक्ट्स तो केमिकल फ्री होते हैं, टॉक्सिन फ्री होते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने हैं। एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम मामाअर्थ, मामाअर्थ आपके ऑर्डर को लिंक करते हैं 23 से 25। मामाअर्थ वाले प्लान कर रहे हैं 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करने का जो कि बहुत अच्छी बात है। मामाअर्थ रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन दे यूज, दे नाउ रिसाइकल ओवर 240 मेट्रिक टन ऑफ प्लास्टिक्स एवरी मंथ। एंड आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम्स। मामाअर्थ इज बीन अवार्डेड पेटा का क्रुएल्टी फ्री एंड ब्यूटी विदाउट बनीस अवार्ड, विच मीन्स हमारे कोई भी प्यारे एनिमल्स हर्ट नहीं हुए हैं। तो गाइस अगर आपको मामाअर्थ के बेहतरीन प्रोडक्ट्स 20% ऑफ में खरीदना है तो मामाअर्थ के ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए mama.in और टाइप कीजिए लेंसिंग 2022 विच इज माय कोड। अगर आप इस कोड को टाइप करोगे तो मामाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स आपको 20% ऑफ में मिल जाएगा। और ये प्रोडक्ट्स Amazon, Flipkart एंड Nykaa में भी अवेलेबल है, मैं चारों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से जाके परचेस कर सकते हो। मामाअर्थ ने अपना ऐप भी लॉन्च किया जो कि आपको एंड्रॉइड एंड iOS में मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। द ऐप यूजर्स गेट अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड हेंस गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स। तो गाइस हमारा केवी पूरा प्रोसेस होने के लिए रेडी है और अभी कार्ड वार्ड के सब कुछ रख लिया है, बस उसे मिक्सर करना है चीनी वगैरह। तब तक के लिए हम टाइम पास कर रहे हैं क्योंकि लाइट नहीं है ना, तो जैसे ही लाइट आ जाता है तो हम ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। बच्चे ट्राई ना करें इसे, ये वाला मुझे लगने वाला था बट ये मैग्नेटिक है, पॉइंटेड नहीं है तो इसलिए
और गाइस लाइट अभी तक नहीं आया है, बट आगे का जो व्यू है ना नाहरलगन से बहुत ही सुंदर, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये देखो ओ, ट्रेन का आवाज कितना अच्छा लग रहा है। तो गाइस लाइट भी आ गया और कीवी भी कट के रेडी हो गया, छील के रेडी हो गया है। तो अब इस कीवी को सबसे पहले हम धोएंगे पानी से, और पानी से धोने के बाद इसे काटेंगे, उसके बाद आगे बताते रहेंगे कि क्या करना है इसका। कम ऑन फॉलो मी। उसने इसमें चिकन रखा था मैंने, इसमें सुन रहा हूँ कि धोया कि नहीं धोया, तो विम बार से धोया अच्छे से, तो यही पे धुलाएंगे। तो गाइस फाइनली ये धुल के आ गया है, तो यहाँ पे सभी सामान रखे हुए हैं, ऑरेंजेस वगैरह ना, प्याज रखा है, ऑरेंज रखा है, मूली रखा है, आइसक्रीम रखा है, अचार रखा है, चीनी रखा है, कीवी रखा है। तो इनमें से हम किसी को भी यूज़ नहीं करेंगे, बस कीवी और चीनी को यूज़ करेंगे, बस ऐसे ही टाइम पास। तो गाइस कीवी धुल के रेडी है, तो अभी इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, समय लो, बीच से टुकड़े करना है इन सभी कीवी को, ऐसा करना है बीच से, एक से बीच से 90 डिग्री के एंगल में, सॉरी नॉट 90, 180 डिग्री के एंगल में काटना है। और जब सभी कट जाएंगे तो सभी को इसमें डाल देना है डब्बे में, जिसका एक प्रॉपर ढक्कन मांगता है आप लोगों को। तो अगर प्रॉपर ढक्कन नहीं होगा, तो अगर सील टाइट वाला ढक्कन नहीं होगा, तो आपका वाइन कभी बन ही नहीं पाएगा, आपको बस एक सड़ा हुआ कीवी का जूस पीने को मिलेगा बस। पता नहीं फ्रूट इसमें तो कुछ दवाई ववाई भी नहीं डाल रहे हैं, पता नहीं कैसे वाइन बन जाता है, मुझे भी पता नहीं इसका साइंटिफिक थ्योरी, बट बनता है ऐसे बनता है। और गाइस हमारा इंग्रेडिएंट रेडी है, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये कट के रेडी है, कीवी कट के रेडी है, और ये चीनी, और ये पॉलीथिन हम खाने में नहीं डाल रहे हैं, बस उसको ढक्कन बंद करने में यूज़ करेंगे। कुछ भी इंग्रेडिएंट नहीं चाहिए, बस आपको चाहिए कीवी को छील के काटना है, बीच से रखना है इस डब्बे में, और चीनी, बस और कुछ नहीं। ये हमने 1 किलो लिया है, और कीवी हमने कम से कम 1 किलो कीवी काटा है, मतलब काट के शायद ये 1 किलो का तो हो गया होगा, और ये 1 किलो चीनी, तो इसमें 1/2 किलो कम से कम डालेंगे इसमें। आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा डाला है, अराउंड 550 ग्राम डाला है, और अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स होने के बाद ये कुछ मिक्स होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है, ये देखो वो डालना ही हो जाएगा ना। तो गाइस इस पॉलीथिन को रख देते हैं यहाँ पे, और ढक्कन को बंद कर देते हैं, ताकि एकदम टाइट से सील हो जाए ना। ये देखो इतना टाइट हो गया ना, शक्तिमान भी आके नहीं खोल सकता अभी इसको, खुद ही नहीं खोल सकता है। तो गाइस ये टाइट से पैक हो गया एकदम, आप देख सकते हो साइड से ऐसा दिखता है, ये ऑलमोस्ट देखो वाइन बन भी गया, ग्रीन ग्रीन शुरू हो गया प्रोसेस, ये कल तक खाने के लिए रेडी, कल तक पीने के लिए रेडी हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी इस वाइन का जो पार्ट टू होगा, ये वाइन बनने का जो पार्ट टू होगा, इसका जो व्लॉग होगा आपको 3 महीने के बाद ही देखने को मिलेगा। मेरे पास सैंपल भी नहीं है, क्योंकि मैंने खरीदा नहीं, मैं पीता नहीं ना, तो इसलिए सैंपल भी नहीं है मेरे पास। तो ये वाइन बन जाएगा, 3 महीने कहीं 3 महीने वेट करना पड़ेगा आप लोगों को, ऐसे रखना है बस। और इसको इसका जूस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको इसको ऐसा दबाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कीवी है अपने आप मेल्ट हो जाएगा, और जो ये वाला पल्प वाला पार्ट है उसको हम नहीं डालेंगे वाइन में, बस इसका जो रस होगा जूस होगा उसको निकालेंगे। तो ऐसा बनता है कीवी वाइन, इजी था ना। बस 3 महीनों के लिए हम इसको ये ऊपर में रखेंगे, ऊपर में ही रखना है, नीचे में नहीं रखना है, नीचे में रखने से वाइन नहीं बनेगा। मजा कर रहा हूँ, ऊपर रखो नीचे रखो, लेकिन कहीं कोने में रखो, ताकि ये हिले ना ज़्यादा, और यहाँ पे धूप वगैरह ज़्यादा लगे ना, धूप वगैरह लगने ना दीजिएगा।
नॉर्मल जगह में स्टोर करना है इसको। तो अभी 3 महीने के बाद आप लोगों को दिखाएंगे कि वाइन कैसा बना है, मतलब टेस्ट भी करके बताएंगे। तो इसी के साथ आज मेरा ये ब्लॉग यहीं पे खत्म होता है। ये छोटा सा शॉर्ट सा ब्लॉग था, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो ये है लेंसिंग वाइन। थैंक यू सो मच वॉचिंग। बाय बाय, जय हिंद। और दिसंबर से मेरा ट्रैवल ब्लॉग्स फिर से मैं शुरू कर रहा हूँ, तो आई थिंक ये महीने का मेरा ये लास्ट ब्लॉग होगा। तो बने रहिएगा दिसंबर महीने के लिए, एक्साइटेड रहिएगा। मैं भी बहुत सारा मेहनत करने के लिए आप लोगों के लिए रेडी हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, जय हिंद। धन्यवाद।